guys, now we are heading back to Shimla because we have to get the bus from there for Dharamshala. So, abhi kahin pe ruk ke pehle lunch karenge. अभी रात के बजे 8:30 और हम लोग आए हैं माल रोड शिमला में. सो द टेम्परेचर इज़ अराउंड 6 degrees आउट हियर और आज शिमला ही में स्टे कर रहे हैं बिकॉज धर्मशाला के लिए हमें बस मिली नहीं. अनफॉर्चुनेटली ये पैंडमिक की वजह से जितनी भी रात की बसेस थी वो अभी ऑपरेट नहीं कर रही लोग. तो सुबह हम लोग को 7:30 या 9:30 की बस लेनी पड़ेगी धर्मशाला के लिए. तो आज के स्टे के लिए एक दूसरे होटल में रूम बुक कर लिया हम लोगों ने क्योंकि वो पहली वाली होटल हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्निंग में चेकआउट कर लिया था. तो अभी घूमेंगे माल रोड. माल रोड घूमने के बाद जाएंगे रूम पे. यहाँ के डॉगीज देखो कैसे. मूविंग बैक टू आर होटल बिकॉज रात काफ़ी हो गई है. थके हुए भी है. दिन भर पूरा घूमा हम लोगों ने तो अब वापस रूम पे जाना ही बेहतर होगा. क्राउड उतनी ज़्यादा है नहीं. ठंड काफ़ी है. कॉप्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मास्क एंड ऑल. सो इफ़ यू आर कमिंग बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज वो 1000 रुपये का चलान काट दे रहे हैं अगर आप बगैर मास्क के नज़र आओगे. इवन दो यू आर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ If you are taking out your mask, they'll come and they'll tell you to wear your mask. Or else they'll just raise a challan of 1000 rupees. Okay, चलो तब अब सुबह मुलाकात होगी. आज हमारा है 4th day, right? Yeah. 4th day. हम अपने schedule से 2 दिन पीछे चल रहे हैं. हाँ हाँ.
हमारे दो दिन शेड्यूल में बहुत पीछे आ गए हैं एक्चुअली, एक दिन वेदर की वजह से और एक दिन बस लेट होने की वजह से, यानी कि बस है ही नहीं. पहले हमें इन्फॉर्मेशन ली थी HRTC से, दे विल सेड कि आपको बस मिल जाएगी 8 बजे, बट अभी फिर दोबारा पूछा हमने तो दे सेड कि आज के लिए कोई बस नहीं है और अभी बस बंद हो गई है और हमें अब मॉर्निंग में बस लेनी पड़ेगी. तो बेफजूल में हमें आज एक और दिन रुकना पड़ रहा है यहाँ पे. कोई आज नहीं के यार. दिन हमें एक्चुअली होना चाहिए था धर्मशाला में होना चाहिए और यार. हम आज अभी भी शिमला में ही हैं. कल तक हम एक दिन पीछे थे, आज दो दिन हो गए हैं. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. और कितना पीछे होता, बहुत एंजॉय किया आज. भाई को बर्फ देखनी थी, बर्फ दिखा दी. भाई को घुमाना था, घुमा दिया. माल रोड दिखानी थी, माल रोड भी दिखा दिया. अब कल मिलते हैं गाइस. ओके बाय, गुड नाइट. आपसे मुलाकात होगी धर्मशाला में. नहीं, ऑन द वे टू धर्मशाला. बाय. हाय गाइस, इट्स day 5 और हम लोग निकल चुके हैं धर्मशाला के लिए. हम लोग ओल्ड बस स्टैंड में ठहरे थे आज की रात. अभी आए हम लोग न्यू बस स्टैंड में. तो यहाँ से बस मिल रही है बट अनफॉर्चुनेटली वॉल्वो बस अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, दे आर नॉट ऑपरेटिंग एट ऑल. तो हम लोगों को अभी यही नॉर्मल बस से जाना पड़ेगा. अभी तक फेयर पूछा नहीं है हम लोगों ने कि क्या फेयर लगेगा यहाँ से जाने का. पूछ के बताते हैं, बट आई विल कीप यू पोस्टेड. हाँ, या पूछ कर बता. अभी तक हम लोग को धर्मशाला में होना चाहिए था लेकिन रात को बस तो अवेलेबल नहीं थी जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए और हम लोग को शिमला ही में नाइट स्टे करना पड़ा. अभी जस्ट हम लोग निकले हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है बिकॉज वी थॉट ऑफ कैचिंग द बस फर्स्ट बिकॉज और कोई अनसर्टेन थिंग चाहिए नहीं हमें. फिर कांगड़ा से हमें बस में दूसरी बस में बिठा देंगे. एक्चुअल में गाड़ी है 900. हाँ, वो लगभग 7 बजे के बाद उतारेंगे. इससे जाके आप 5 बजे मतलब धर्मशाला 5 बजे से पहले पहले पहुँच जाएंगे. 4 बजे कांगड़ा पहुँच जाएगी. अगर कांगड़ा से काकड़ा बैठा देंगे आप. काकड़ा जाना पड़ेगा ना पहले. काकड़ा कांगड़ा रूट कांगड़ा से ही है. ओके ठीक है जी. दे रहे यहाँ पे फिर से एक अनसर्टेन थिंग हो गई है. हमें कांगड़ा जाना पड़ेगा पहले, वहाँ से फिर बस चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली बस यहाँ से अवेलेबल नहीं है. पहले हुआ करती थी, हमेशा हुआ करती थी, मतलब हर 1-2 घंटे के बाद हुआ करती थी बस धर्मशाला के लिए. लेकिन अभी पैंडमिक की वजह से सब कुछ चेंजेस आ गया है इसमें. और यहाँ पे तो वॉल्वो भी एक भी वॉल्वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज कहीं के लिए भी वॉल्वो ऑपरेट नहीं हो रही है. तो अगर आप आ रहे हो तो माइंड सेट करके आना. सो गाइज, यहाँ से कांगड़ा की फेयर 500 पर पर्सन लिया है और वहाँ से फिर कनेक्टिंग बस है वो 35 रुपीज़ लेंगे बता रहे. तो आपका यहाँ से शिमला से धर्मशाला का टोटल फेयर हो जाएगा 535 रुपये और ये 220 या 225 किलोमीटर है. आई गेस इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स बट हाँ, ये माउंटेंस है तो अप एंड डाउन ज़्यादा होता है तो इसीलिए मे बी फेयर को थोड़ा सा ऊपर करके रखा हुआ है. गाइस, अभी हम लोग 15 मिनट के लिए रुकी है बस. हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए. अक्षय भाई साहब सिर्फ पराठे खाने हैं, जहाँ भी जा रहा है सिर्फ पराठे खाने हैं भाई साहब को. मैं बोला भाई कुछ खाना खा ले भाई, कुछ फ्रूट्स व्रूट्स खा ले. खा तो रहे भाई तुम्हारे कहने से, खा तो रहे हैं. हाँ तो मैंने मंगवाया ना, तभी तो तू खा रहा है ना. खाओ केले, खाओ केले, खाओ केले. जूस पियेंगे, केले खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे.
दो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल, यू ऑल गुड आल्सो। यू बोथ आर डूइंग वेल राइट नाउ। मज़ा आ रहा है। अभी हम देखो लारू में हैं, लारू पहुँचे हैं। बस थोड़ी देर के लिए रुकी है यहाँ पे क्योंकि किसी ने शायद वॉमिटिंग कर दी थी बस में, उसको धुलवाना था। धुलवाने के लिए बस रुकी है, इतने हम भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब तो पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं, वादियों का मज़ा नहीं ले रहे हैं। आप एक बार जरा व्यू दिखाइए यहाँ का, आपको पता चल। मैं पूरे रास्ते सोते हुए आया हूँ, मुझे पता भी नहीं किसने क्या करा है बस में, लेकिन अभी बस को पूरी क्लीन कर रहे हैं ये लोग। ये हमारी बस है। और जगह का नाम है कुलारू। पहुंच गए हैं अब ये, यहाँ से हम लोग धर्मशाला जा रहे हैं। ओए ये जाएगी आगे से वाली बस जाएगी धर्मशाला के लिए। भाई धर्मशाला कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 23 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने घंटे लगेगी जाएंगे यहाँ से जाने में? 4 रास्ते चलेगी और 5-5 तक पहुँच जाएगी। 5-5 से पहुँच जाएगी? 1 घंटा। हाँ 1 घंटा। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे धर्मशाला की जर्नी। तो गाइस 4:10 हुए हैं और बस एकदम टाइम पे निकल गई है। यहाँ से 22 किलोमीटर की जर्नी हमें तय करनी है जो कि नियरली अबाउट 1 आवर लगेगा। 5:10 या 5:05 पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और ठंड उतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे जितना एक्सपेक्ट करा था। टेम्परेचर तकरीबन 16-17 का टेम्परेचर है और ठंड लग नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था वैसी ठंड है नहीं। जो मेरे पीछे है यही बस स्टैंड है यहाँ का, ये लास्ट स्टॉप थी हमारी और हम धर्मशाला पहुँच चुके हैं। वेदर काफ़ी अच्छा है। सो ये धर्मशाला की बस स्टॉप है, बस नीचे को जाती है, अभी एक बस गई है और ये इसका मेन रोड है, देख सकते हो आप बस कितनी प्यारी लग रही है ना। माउंटेन्स शाइनिंग लाइक सिल्वर। ये भाई सब पूछ रहे हैं होटल्स के बारे में। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द होटल एज यू कैन सी। बेसिकली इट्स नॉट अ होटल, इट्स मोर लाइक अ रेसिडेंस हाउस। बहुत ही प्यारा व्यू है और कमरे भी बहुत अच्छे हैं, छोटी सी और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, 800 रुपये पर रूम नाइट। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। बस व्यू के लिए ये कमरा ले रहा हूँ मैं। वाओ लुक एट द माउंटेन।
मैंने बोला गीजर ऑन करने के लिए। गीजर ऑन आएगा? हाँ बस अभी किया। देखो भाई थोड़ा एक्सप्रेशन दे दो इसको। पराठे छोड़ के भी दुनिया में और भी बहुत चीजें हैं। अच्छा बेटा खा लीजिए। खाने वाला तो किसकी इच्छा होती है तो अभी हम आए हैं डिनर के लिए। किसकी इच्छा होती है? और भाई साहब ने आते साथ ही बोल दिया कि पराठे मिलेंगे। हाँ मेरे दिमाग में तो पराठे गुजारे थे तुम रास्ते भर। रेस्टोरेंट का नाम है शेरे पंजाब। या दैट्स वेरी नोन नेम इन कलकत्ता फॉर अ डिलीशियस इंडियन फूड। सो अभी 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 क्या क्या मिलेंगे भाई जी? लंच एंड डिनर। हाँ जी पराठे नहीं मिलेंगे। बहुत घी शक्कर आपके मुंह में। ये भाई साहब जिधर जा रहा उसको बोले पराठे मिलेंगे। गार्लिक नान हो गया, बटर नान हो गया। ओके और मेन कोर्स में सिंपल रोटी मिलेगी? नहीं 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 मैं गार्लिक नान खाऊंगा। अभी मजा आएगा, अब नहाया है ना अभी। वी हैड अ बाथ After 4 days. Look at his face. So guys, ये बंदा ऑर्डर करने वाला है अभी। हमको दे दीजिए 3 बटर नान दे दीजिए और एक दाल मखनी दे दीजिए। हाँ बस दाल मखनी अभी लेकर आइए पहले फिलहाल। और अनियन तो देखिए ना साथ में। पराठे नहीं आए ना तेरे? नहीं पराठे नहीं आए। पराठे खाओगे? आज हम दाल मखनी और बटर नान खाएंगे। वाओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे बच्चा। खाओ खाओ। सर्व तो कर दे तुमको पहले। वो आप मुझे सर्व करोगे? सो नाइस ऑफ यू अक्षय कुमार। थैंक्स।